Morning students. So today we are going to perform an experiment on determination of toughness of material by using impact testing machine. That is the name of the experiment of Thurston Mechanical Engineering of Mechanical Engineering Lab. So let's start. तो आरा हम जो impact testing machine है, हमें बोले material का toughness measurement करना. So बोले material का तारा energy कितने absorb करेगा ना ductility तारा कितने. बोले material को हमें इंपैक्ट लोड दबा सो लोड दिला पर से मैटेरियल कितने एनर्जी एब्जॉर्ब कर पेलो सेना में डिटरमाइन कर ले ए एनर्जी रीडिंग मीटर रे हम डिटरमाइन कर ले सो इंपैक्ट लोड माने कोन माने सडनली अप्लाई लोड सो हम माने इंजीनियरिंग मटेरियल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल अछि सो जे मटेरियल गो डिफरेंट जगह यूज हो छि सो सेफ्टी दृष्टि रो हम तर टफनेस मेजरमेंट कर कि से मटेरियल को सही जगह रे यूज करया पे हम व्यवहार कर सो हमें सेथि इंपैक्ट टेस्टिंग करा जाए मटेरियल का सो इटा होसे से इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन ता पे हम कोन अपैरेटस दरकार गोटे इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन दरकार जोटा कि आछि इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन आउ स्पेसिमेन दरकार स्पेसिमेन कोन जो मटेरियल हम टेस्ट करिबा सेटा होसे स्पेसिमेन हम ता कहोचे सो टू टाइप्स रो टेस्ट अछि कि हमर अछि गोटे चार्पी टेस्ट गोटे अछि आ गोटे अछि आइजोप टेस्ट सो चार्पी टेस्ट पे हमें ए स्पेसिमेन ता यूज करिबा जोटा कि हमें होराइजेंटल ले रखिबा आ आइजोप टेस्ट करिया पे ए स्पेसिमेन ता यूज करिया सो ए इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन रा हम फास्ट जाने तर पास कोन अछि केमिकल यूज करिया प्रैक्टिकल करिया पे सो इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन रा इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन एकटा होछ स्ट्राइकिंग हम स्पेसिमेन देखै ओटा के जोटा को होराइजेंटल ला रखिबा साथी पे आ ओटे वर्टिकल ला रखिबा आइजोप सो सेटा कोन रखिबा ना तारे के होल्डिंग पे ओटे डिवाइस दै छै कि सो होराइजेंटल करिया पे हमें साथी पे हमें स्पेसिमेन को ई शेप रे रखिबा आ आइजोप करिया पे हमें होल्डिंग डिवाइस रे भीतर एंटर करि के एडी भाइस रे एंती रखिया आइजोप करिया पे वर्टिकल सो तापर आसला स्ट्राइकिंग केमिति हो से जो मटेरियल हम रखिबा तहार हम टफनेस मेजरमेंट करिया केते एनर्जी एब्जॉर्ब करछ जे मटेरियल का सो ताको स्ट्राइकिंग केमिति करबा एटा होता स्ट्राइकिंग हैमर सो स्ट्राइकिंग हैमर रे हम स्ट्राइक करया पई हमर टू टाइप्स रा एंगल होछ गोटे चार्पी पेन जोटा के हम होराइजेंटल रखिबा ता पई हम एंगल सेट करबा 140 डिग्री रे आ आइजोप टेस्ट करया पई हमें ये हमर द स्ट्राइकिंग हमर एंगल सेट करबा 84 डिग्री सो ये डिफॉल्ट ही अछि ऑलरेडी सो इटा हम तार 84 डिग्री अछि जोटा कि वर्टिकल स्ट्राइकिंग करबो आ गोटे होराइजेंटल रे स्ट्राइक करबे हम 140 इटा स्ट्राइकिंग हमर एंगल हो गेलै केते 140 डिग्री जोटा कि चार्पी टेस्ट करबा दरकार आ 84 डिग्री टा दरकार आइजोप टेस्ट करबा सो केति तार अछि गोटे लीवर जोटा कि रिलीजिंग रिलीज करबा हमर को हम एटा हमनी ऊपर टाइले से हमर को रिलीज करबो आ हमर जाई स्ट्राइकिंग करबो को स्पेसिमेन तापर कि हमर अछि को एनर्जी रीडिंग मीटर को दे छी तो स्ट्राइकिंग कला पर जो पॉइंटर अछि पॉइंटर जो कि ओटे जागे रे रहै छको तो सेटे में एनर्जी रीडिंग नबा चार्टी पे ए आउटसाइड स्केल जो रीडिंग ता अछि हम चार्टी पे नबा आ इनसाइड जो ता अछि से आइजोप पे नबा सो आर गोटे गोटे डिवीजन हो छी 2 जूल सो इटा हो जे 10 जूल 20 जूल 30 जूल 40 जूल सपोज आ चार्टी टेस्ट करछे आ पॉइंटरटा आसी 30 पखर कहियो सो इटे कोन हो ना ए मटेरियल दे केते एनर्जी एब्जॉर्ब करला ना 30 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करला सो एबे आ जे प्रैक्टिकल टेस्ट करिया पे तेमिति ए मटेरियल हमें चार्टी टेस्ट करिया पाछ चार्टी टेस्ट करिया पे हम कोन हमें को होराइजेंटल पोजीशन रखिबा सो होराइजेंटल पोजीशन केमिति रखिबा फास्ट इट सुतार होल्डिंग डिवाइस अछि ए कटिंग पोर्शन टा रो स्ट्राइकिंग हमर रो अपोजिट रे दबा जो कटिंग पोर्शन अछि तारो ताको अपोजिट डायरेक्शन रे रखिबा हमर रो आउ होराइजेंटल पोजीशन रे रखिया सो होराइजेंटल पोजीशन रे रखे चार्टी टेस्ट करिया पे हमर रो एंगल केते थिला दरकार स्ट्राइकिंग हमर रो 140 डिग्री जोटा के हम सेट कर रखि छु 140 डिग्री तो तार नेक्स्ट आउ गोटे पॉइंट जानियार अछि चार्टी टेस्ट करिया पूर्व हम पॉइंटर को रखिबा कोदी ना 3300 जूल रे हम पॉइंटर को फास्ट करबा 300 जूल रे हम पॉइंटर को रखिबा तार स्टार्ट करबा स्टार्ट करिया के कि हम कोइ एटा होछि और रिलीजिंग लीवर जोटा के हम रिलीज करिले रिलीज करले कोन हबो हमर आसी स्ट्राइक करबो कोदी स्पेसिमेन सो अब देखिबा
स्ट्राइक कला सो तार अगर ब्रेकिंग सिस्टम में अछि एटा होत कर ब्रेक हमें हमर को जो एते जोर मूवमेंट करू छी ए मूवमेंट ताने को ले लेबे ब्रेक आते सो इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन में सेफ्टी हो छी फर्स्ट सेफ्टी आगे प्रथम दिन से देखियो सबले प्रैक्टिकल कला रे प्रथम सेफ्टी देखियो कारण बहुत हेवी मशीन सो नेक्स्ट जिमा हमें हाइजर टेस्ट करा सो ता पूर्व में हम देखे देले केते एनर्जी अब्सॉर्ब कला चारपी टेस्ट करिया पाए हम जो चारपी टेस्ट करले हम कहितली कोन चारपी टेस्ट करिया रीडिंग टाइम कोड नो आउटसाइड रे जो स्केल टा आछ सो आइजर्ड माइंड इनसाइड रे स्केल सो हम जो मटेरियल टा रखितले चारपी टेस्ट करले सो ता पे हम रीडिंग केते एठी देखैला 31 डिवीजन हो जो 2 जो 1 2 3 4 डिवीजन होई छी सो एठी केते 38 जो सो से मटेरियल हम जो स्पेसिमेन हम रखितले चारपी टेस्ट करया पाए 38 जो एनर्जी आछो ओके नेक्स्ट जिमे हमें आइजर टेस्ट करे आइजर टेस्ट करे पे हमें कौन करिया स्पेसिमेन को वर्टिकल रे रखी टेस्ट करिया सो ए बेसिस हम आइजर टेस्ट करे पे हम चार टेस्ट सब गेल आइजर टेस्ट करिया सो आइजर टेस्ट करे पे तो इंडिकेटर को बने इनसाइड जो स्केल दा छि से इंडिकेटर जो एनर्जी शो करू हम से रीडिंग ल सो आइजर टेस्ट करे पर हम फर्स्ट पॉइंट को सेट करे रहछि कोनी 160 जूल रे सो इटा फर्स्ट पॉइंट को सेट कर देले 160 जूल ठीक है तापर आ गोटे जिन सेट करे रहछि कोन स्ट्राइकिंग हम स्ट्राइकिंग हम ओटा को एंगल सेट करे रहछि ना 84 डिग्री रे सेट करे रहछि तापर स्पेस ठीक है तापर आ गोटे जिन सेट करे रहछि कोन स्ट्राइकिंग हम स्ट्राइकिंग हम ओटा को एंगल सेट करे रहछि ना 84 डिग्री रे सेट करे रहछि तापर स्पेसिमेन स्पेसिमेन कोन स्पेसिमेन को लिए चारपी पे जे होराइजेंटल से आइजर पे वर्टिकल सो आइजर टेस्ट करे पे हम स्पेसिमेन को वर्टिकल डिग्री रे ए होल्डिंग डिवाइस रे हम सेट कर दे छु सो तापर हमें स्ट्राइकिंग हैमर को रिलीज करबा आ से स्पेसिमेन रे स्ट्राइक करबो तापर एथि आइजर स्केल रे हम एनर्जी शो करबो सो हमें ए स्ट्राइक कर दिया एरा रिलीज के कर हम रिलीज कर दे हमर को इनसाइड स्केल रीडिंग नबा सो 0 10 जूल 20 जूल 30 जूल 40 जूल सो आइजर टेस्ट करे में हमें से जो मटेरियल स्पेसिमेन रखितले से केते एनर्जी आब्सॉर्ब करे ना 40 जूल रे आब्सॉर्ब ठीक अछि थैंक यू सो हमको ऑब्जर्वेशन रे हमर एटी लिखिया रहछि कोन एनर्जी ऑब्जर्व बाय आइजर टेस्ट जोटा कि बाहर लागत 40 न्यूटन मीटर और 40 जूल एनर्जी ऑब्जर्व बाय चारपी टेस्ट केते आस्तिला हमरो 38 न्यूटन मीटर और 38 जूल सो नेक्स्ट